ये हम तंदूरी चाप बना रहे हैं और इसकी भी इन हाउस आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? यस सर, हमारी इसकी पूरी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, आप देख सकते हैं इसको कैसे हमने मैरिनेट किया है। नंबर वन आता है हमारा फ्रोजन बाइट की मिक्स वेज। अगर आप हमारा मोमोज देखते हैं तो इसका डो है जो वो है सिर्फ 4 mm का। अगर आप बाहर से लोगे मोमोज तो आपको वो 12 mm का डो मिलेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसमें मैदा नहीं है, मतलब ना के बराबर है एज कम्पेयर टू आउटसाइड फूड। मतलब स्पेशल हमारा फ्रोजन बाइट का मलाई पनीर, इतना सॉफ्ट और खाने में आप नेचुरल एकदम टेस्ट है इसका। हमारी सर 100% मैदा फ्री चाप आती है। ओके, एज कम्पेयर टू अदर्स आप ये कह सकते हो कि हाँ हमने कुछ बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको प्रगति मैदान, जहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की स्टार्टिंग हो चुकी है और फ्रोजन फूड से रिलेटेड अगर आप भी कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी कम कॉस्ट में आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, B2B में इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कंपनी का नाम है वो भी जान लेते हैं सर। हेलो सर। हेलो सर, और क्या प्रोडक्ट की रेंज है वो भी हम जान लेते हैं। तो सर, माई सेल्फ अमन गोयल, आई एम फ्रॉम क्रिस्टल फ्रोजन फूड्स। हमारी सर दो ब्रांड है, फ्रोजन बाइट्स एंड फ्रोजन ट्रीट। हमारी इन दोनों ब्रांड्स में आता है फ्रोजन वेज चाप, पनीर, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मिक्स वेज एंड आपके कैंड चाप एंड फ्रेंच फ्राइज टू। ओके, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज फ्रोजन फूड से रिलेटेड आप इनके स्टॉल पर आपको मिलने वाली है। सारी रेंज हम दिखाएंगे, कस्टमर केयर का नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर करेंगे, ताकि आपके लिए इस तरह का बिजनेस स्टार्टअप करना काफ़ी आसान हो जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सर, आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग किस प्रोडक्ट से करना चाहेंगे? तो सर, हम हमारे उसकी स्टार्टिंग करना चाहेंगे सर कैंड चाप से। ओके, ये हमारी फ्रोजन बाइट्स की कैंड चाप है। हमारी इन हाउस प्रोडक्शन है इस चाप की सारी। ठीक है, हम अपने आप ही इस चाप को बनाते हैं और ये हमारी 100% मैदा फ्री है, जिसको आप इजी टू यूज कर सकते हो और इजी टू कंज्यूम कर सकते हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये 100% मैदा फ्री है। तो सर आइए, आज आपका अट्रैक्शन हमारे एक और नई चीज के साइड लेके चलते हैं। ये सर हमारे फ्रोजन मोमोज हैं। ओके, फ्रोजन मोमोज। ये फ्रोजन मोमोज हैं, इजी टू यूज। तो आप हमारे मोमोज का सर देख सकते हैं क्या चल रहा है, कितना हमारे मोमोज को रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज के टाइम में सबको मोमोज खाने भी पसंद है और बनाने भी पसंद है, लेकिन बनाने में आदमी को आलस आता है। तो अगर हम हाइजीन मोमोज सबको प्रोवाइड कराएंगे तो वो उसको इजीली खा पाएंगे और अच्छे तक खा पाएंगे। अब आप हमारे मोमोज को देखिए सर, लेट मी शो यू। सर अगर आप हमारा मोमोज देखते हैं तो इसका डो है जो वो है सिर्फ 4 mm का। अगर आप बाहर से लोगे मोमोज तो आपको वो 12 mm का डो मिलेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसमें मैदा नहीं है, मतलब ना के बराबर है एज कम्पेयर टू आउटसाइड फूड। मतलब क्वालिटी जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। फिक्स, मतलब हमारी कंपनी का मोटो ही ये है कि हमें कंपनी को देना है, अच्छा देना है। और मैं सर इस साइड में देख पा रहा हूँ तो ये आप रेडी कर रहे हैं प्रोडक्टों को यहाँ पर? यस सर। ये क्या क्या बना रहे हैं सर? ये सर ये हम तंदूरी चाप बना रहे हैं। और इसकी भी इन हाउस आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? यस सर, हमारी इसकी पूरी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, आप देख सकते हैं इसको कैसे हमने मैरिनेट किया है। ये हमारी सर 100% मैदा फ्री चाप आती है। ओके, एज कम्पेयर टू अदर्स आप ये कह सकते हो कि हाँ हमने कुछ बनाया है जी। तो सर ये यहाँ पे मैरिनेट हो रही है, ये मैरिनेशन तैयार हो रही है। ये तंदूरी चाप की मैरिनेशन तैयार हो रही है। यस, ये हमारी चाप है। आप इसके कलर से बता सकते हैं कि ये हमारी 100% सोयाबीन की है। ओके, तो सर एज मूविंग ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये है हमारा पनीर। ओके, तो ये पनीर सर हमारा IQF होता है। IQF इज़ बेसिक लाइक, अगर आपको किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी फ्रीज करना है, लाइक इन द इंटरवल ऑफ 5 to 10 minutes, वी डू इट इन IQF। IQF स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल क्विक फ्रीजर। इन दैट उसमें इसको हम सर -40 पे डायरेक्ट लेके जाते हैं। तो जब -40 पे जाते हैं तो उसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ 12 मंथ्स हो जाती है। और अगर आप इसको -18 पे एज मेंशनड ऑन आवर प्रोडक्ट टू, यू कैन सी इट हियर, इफ स्टोर्ड एट -18 इट विल लास्ट फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, तो सर अगर आप बाहर से भी पनीर लोगे तो वो 12 मंथ्स नहीं टिकेगा, लेकिन ये सिर्फ -40 की वजह से टिकता है। ठीक है, तो सर आप उसके बाद हमारी ब्रांड के ग्रीन पीस देख सकते हैं। ओके, तो आप इसका सर सैंपल भी देख सकते हैं, देखो कैसे बिल्कुल हरा भरा दाना आ रहा है इसका जी। और ये सारी फ्रोजन फूड की करंट वैरायटीज है। यस सर। ठीक है सर। सर ये जैसे ये भी IQF होता है, हमारा जो स्वीट कॉर्न है ये भी IQF ही होता है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है, कोई सूखा दाना नहीं है। मतलब ये हमने स्पेशल विंडो बनाई है ताकि हमारा कस्टमर जो भी लेगा
वो इसको ये कहेगा कि हाँ हमने कुछ लिया है, और वो अंदर का प्रोडक्ट देख सकते हो आप। बिल्कुल नाइस। ये सर हमारी चाप है, फ्रोजन चाप, जो कि आप हमने अभी डिस्प्ले में दिखाया था। डिस्प्ले में जो हमारी एज अ सैंपल चल रही है, हम हमारे कस्टमर्स को टेस्ट करा रहे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है, चल रही है, तो लाइव सैंपल भी चल रहे हैं। और फ्रोजन चाप इस समय पर काफी ज्यादा डिमांड में है। yes, काफी ज्यादा लोग बाग पसंद भी कर रहे हैं नए नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। माय जो आई टोल्ड यू अगेन आई टेल यू द फ्रोजन ट्रीट माय फर्स्ट सिस्टर कंसर्न द वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन चाप इन इंडियन मार्केट इन 2007। ओके, इट्स आवर प्रोडक्ट बेसिकली। ओके, और अभी काफी ज्यादा लोग इस बिजनेस में उतर चुके हैं। यस, सो इट्स आवर मिक्स वेज, यू कैन सी मिक्स वेजिटेबल्स। तो ये सारी वेराइटीज आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ किसी कस्टमर को, किसी फ्रेंचाइजी को, बी टू बी करने वाले को, अगर डिफरेंट कैटेगरीज में पैकेट्स का साइज बड़ा करना है तो वो भी आपके पास अवेलेबिलिटी होती है? सर हमारे पास 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी एंड 5 केजी ये सारी पैकिंग्स अवेलेबल है। ओके, बट अगर इन केस किसी कस्टमर को वो बल्क में चाहिए, हम वो भी दे सकते हैं जी। एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सर हम ये ट्राई करते हैं कि उसका एक ट्रक ही आए हमारे पास, ताकि हम भी ये कहें कि हमारा ब्रांड उसके पास जा रहा है तो वो हमारा अच्छा सेलर है जी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर यही ट्राई करते हैं कि वो हमसे ब्रांड ले तो ट्रस्ट के साथ ले कि उसके साथ अच्छा ही हम जुड़ेंगे और अच्छा करेंगे जी। और मैं काफ़ी और भी रेंज देख पा रहा हूँ सर, और क्या रेंज अवेलेबल आपके पास में? सर अभी हमारे पास फ्रेंच फ्राइज हैं जी। फ्रेंच फ्राइज में भी आप डील करते हैं, इनकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? यस सर जी। हमारा अभी एक नया प्लांट लग रहा है, उसमें हम सर फिर से ये लगाओ इसके साथ साथ कैंड फूड, जिसमें हम प्यूरीज एंड अदर प्रोडक्ट भी लाइकवाइज इन नेक्स्ट मंथ हम इंट्रोड्यूस कर देंगे सब कुछ जी। यस सर। और अभी जो प्रगति मैदान में ये फूड एक्सपो लगा हुआ है, इसमें आपके स्टॉल्स की मैं लोकेशन जानना चाहूँ, किस हॉल में एग्जीबिशन लगी हुई है, ताकि जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं देखने के बाद आपसे इंटेक्ट कर पाएँ? हॉल नंबर 5। ओके, स्टॉल नंबर E10। E10। यस, अगर आपको आना है, हमसे मिलना है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। गेट नंबर 4 से एंट्री आपको लेनी पड़ेगी प्रगति मैदान के। ओके, और आप हॉल नंबर 5 में E10 स्टॉल पे कभी भी हमें विजिट कर सकते हैं। आपको हमारा काउंटर एज इट इज लाइव चलता मिलेगा और आपको हमारे प्रोडक्ट्स जरूर पसंद आएंगे। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ सर, ये सारे जो प्रोडक्ट की जो काफ़ी सारी जो रेंज अवेलेबल है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एक बार थोड़ा और बताइए, कहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कुंडली फेस 4 सेक्टर 57। ओके, एंड सेकेंड हमारी है सर फूड पार्क बड़ी प्लॉट नंबर 86। तो वी हैव टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड बोथ आर इक्विप्ड विद IQF एंड ब्लास्ट। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाली है जो एक नया स्टार्टअप करने वाले हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और फूड से रिलेटेड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, तो जो B2B में प्राइसिंग है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाले हैं सर? सर यस, हम हमेशा हमारे प्रोडक्ट को बनाने से पहले ये देखते हैं जो लोअर पीपल भी हैं वो हमारा प्रोडक्ट ईजिली बाय कर पाए, क्योंकि अगर अच्छा खाएंगे तभी ज़्यादा जिएंगे जी जी। तो इसलिए हम यही कोशिश करते हैं सभी छोटे हों या बड़े अच्छा खा पाए। तो जो लोग इस तरह का B2B में बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी पर करना चाहते हैं, या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं सर? सर वो मेरे को मेरी वेबसाइट है www.crystalfrozenfood.com, वो वहाँ से हमसे मिल सकते हैं, या फिर हमारी फैक्ट्री में आके हमसे मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस भी वहीं है और हमारी फैक्ट्री भी वहीं है। ठीक है। और सर वैसे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, अगर किसी को मिलना हो तो myself अमन गोयल एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सर। जो लोगों को इस तरह के बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रगति मैदान के फूड एक्सपो में भी ये हॉल इनका हमने देख पा रहे हैं, स्टॉल आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली नए नए प्रोडक्ट की रेंज को सर से मिलने के बाद आप चेक कर सकते हैं। आप हमारे स्टाफ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये तृप्ति हैं, ये हमारा सारा कुछ सेल्स का देखते हैं, हम इनका भी आपको नंबर प्रोवाइड करा देते हैं जी। ये लास्ट में ये 2 नंबर्स जो लिखे हैं ये दोनों इनके हैं। ओके, आप इनसे कॉन्टेक्ट कभी भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर।